सुरेंद्र राजपूत का मैं रुक कर लेती हूँ, कांग्रेस के गेस्ट हैं। और आरती टिक्कू, पहले सारे राजनीतिक दलों की राय आप सुन लीजिए और फिर कंक्लूडिंग आपका स्टेटमेंट होगा कि इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं कैसे दे रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, आप शेरो शायरी खूब करते हैं और कल के नतीजे आपके पक्ष में गए नहीं है और आप इसको कह रहे हैं कि ये तो मोदी का सर्वे है, मोदी की एजेंसियां सर्वे कर रही है। मेरा छोटा सा सवाल यही है कि सर, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि सारी एजेंसियां मोदी के लिए सर्वे करने लगेंगी? शोभना, मसला ये नहीं है। मसला हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप लोग अपना सर्वे करते हैं, आपके सर्वे का अपना सम्मान है, हम उसको सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर रहे हैं। हमारी सहमति नहीं है उससे। हमारी सहमति इसलिए नहीं है उससे कि हम चूंकि ग्राउंड पे रह रहे हैं, हमारी ग्राउंड पे हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे जो संयोजक हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव लड़े हैं, उन सब लोगों से बात हो रही है, तो वो रिपोर्ट्स और ये रिपोर्ट्स बिल्कुल आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार हम लोग 295 सीटों के आसपास जीतने जा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। और आपने जिसे शेरो शायरी की बात कही, तो कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए। तो हम लोगों ने जंग भी पूरी तरीके से लड़ी है और हम 4 तारीख का इंतजार करेंगे। एग्जिट पोल पर हमारा विश्वास नहीं है। एग्जिट पोल एक मार्केटिंग का एक तरीका है, जो हमारी जहन में जो बातें आती है, हमारा जो अपना विचार है। और एग्जिट पोल हमेशा ना तो सही हुए और ना ही हमेशा गलत। अच्छी बात कर रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। एग्जिट पोल के नतीजे आप लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे उसको तो मानेंगे ना, उसको तो स्वीकार करेंगे? ईवीएम का जिक्र तो नहीं करेंगे तब? अनुराग जी, दो बातें इस पे हैं। पहली चीज तो ये सवाल ही फिजूल का है। इसलिए फिजूल का सवाल, ये कैसे फिजूल का सवाल है सर? ये तो भारतीय कानून के, मैं बताता हूँ सर, जवाब दे रहा हूँ सर, 2 मिनट रुक जाइए ना। मैं फिजूल का सवाल, महाफिजूल का सवाल इसलिए है कि अगर हम ईवीएम के उस पर चुनाव लड़ रहे हैं तो ईवीएम को मानने की बात कर रहे हैं। असहमति होना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर हम भारतीय संविधान के अनुसार ईवीएम पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी सहमति दी है ना हमने, तभी तो हम ईवीएम के चुनाव, आप हमें एक आधिकारिक स्टेटमेंट बताइए जिसमें हमने ये कहा कि हम ईवीएम के चुनाव के रिजल्ट नहीं मानेंगे। कैसा सवाल किया जा रहा है? ये तो संविधान विरुद्ध सवाल है। दूसरी बात, असहमति व्यक्त करना वो एक हमारा अपना हक है। अगर कहीं कोई गड़बड़ होगी हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए तो हमने स्वयं सहमति दी है ईवीएम के से चुनाव लड़ने के लिए। इसमें कहां से हम कैसे ठीक है सुरेंद्र जी।